आज हम तुरई और चना दाल से बहुत ही टेस्टी सब्जी बनाकर तैयार करेंगे। ये सब्जी स्वादिष्ट तो है ही, लेकिन उतने ही ये हेल्दी भी है। एकदम आसान तरीके से इसे मैंने बनाया है, तो चलिए देखते हैं इसे मैंने कैसे बनाया है। हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तुरई चना दाल बनाने के लिए मैंने यहाँ 500 ग्राम तुरई ली है। हमारे यहाँ इसे घिवड़ा कहते हैं, आपके यहाँ इसे क्या कहते हैं कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। तो अब हम इसे पील कर लेंगे। ज़्यादा मोटा छिलका नहीं उतारना है, इस तरह से कर लेंगे और फिर आगे पीछे पार्ट को थोड़ा सा कट करके हटा देंगे। चाकू से भी आप इसका छिलका हल्का हल्का उतार सकते हो इस तरह से। अब मैंने सभी का छिलका उतार लिया है और इसे पानी से अच्छे से धोकर साफ कर लिया है। अब चाकू से इसे हम बीच से कट कर लगाएंगे इस तरह से, और इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। आप चाहे तो गोल शेप में भी कट कर सकते हैं अपनी मनपसंद के अनुसार, और इस तरह से काट कर तैयार कर लेंगे। यहाँ हमने 1/4 कप चने की दाल को 3-4 घंटे पानी में पहले ही भिगोकर रखा था, और दाल अच्छे से फूल चुकी है। ये देखिए सूखे में ये कितनी छोटी सी साइज थी इसकी, और फूलकर इतने बड़े साइज में है। अच्छे से ये फूल चुकी है। अब हम सब्जी बनाना शुरू करते हैं। सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ 2 टेबलस्पून सरसों का तेल ले रही हूँ। आप इसे किसी भी कुकिंग ऑयल में बना सकते हो। तेल को गर्म कर लेंगे और इसमें ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच जीरा और आधा छोटा चम्मच सौंफ। सौंफ का फ्लेवर बहुत ही इसमें अच्छा आता है। 1 तेज़पत्ता, 2 सूखी लाल मिर्च और 1 पिंच हींग। इन्हें हम चटकने देंगे। और फिर हमने यहाँ एक बड़े साइज का प्याज को बारीक काट कर ले लिया है, और प्याज को हम 2-3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे। दो से तीन मिनट भून लेने के बाद हमने यहाँ एक हरी मिर्च को काट कर ले लिया है। इसे हम प्याज के साथ भून लेते हैं। ये देखिए प्याज अच्छे से भून चुकी है। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। हमने यहाँ लिया है आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच जीरे का पाउडर, और सब्जी में एक अच्छा सा कलर के लिए मैं यहाँ डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। या देगी मिर्च पाउडर है तो वो भी आप ले सकते हैं। और सभी मसालों को मिक्स कर लेंगे। और थोड़ी सी कसूरी मेथी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। कसूरी मेथी से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इसमें। अब हम इन मसालों को अच्छे से भून लेंगे। इस टाइम आप इसमें 2-3 टेबलस्पून पानी ऐड कर सकते हैं ताकि मसाले हमारे जले नहीं। और मसालों को तब तक भूनेंगे जब तक इसमें तेल अलग ना होने लग जाए। ये देखिए मसालों में से तेल अलग होने लगा है। इस टाइम पर हम इसमें टमाटर डाल देंगे। हमने यहाँ 2 टमाटर को बारीक काट कर लिया है। टमाटर डालने के साथ ही हम यहाँ नमक डाल देंगे। और अब हम टमाटर को तब तक पकाएंगे जब तक ये अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाते। तो इसे हम ढक देंगे और 4-5 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे हम पकने देंगे। तो 5 मिनट हो गए हैं टमाटर को पकाते हुए। ये देखिए तेल पूरी तरह से मसालों में से रिलीज हो गया है और टमाटर भी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। इस स्टेज पर हम इसमें ये कटे हुए तुरई डाल देते हैं, और चने की दाल जो हमने भिगा कर लिया था वो भी हम इसी टाइम पर डाल देंगे। चने की दाल को हमें अलग से पका कर नहीं लेना है। बहुत लोग चना दाल को अलग से उबाल कर इसमें डालते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँ कि आप चना दाल को अलग से ना पकाएं, क्योंकि अब हम तोरे को पकाएंगे सॉफ्ट होने तक। तो इसी के साथ ही हम इसमें चना दाल को भी डालकर इसी तरह इसी के साथ पका लेंगे। आप घबराएं नहीं कि दाल नहीं पकेगी, आप बाद में इसका रिजल्ट देखना, ये बहुत अच्छे से पक जाती है। तुरई और चना दाल को हम मसालों के साथ 1 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमने इसे मिक्स कर लिया है। वैसे तो तुरई में बहुत पानी होती है, इसमें पानी डालने की जरूरत तो नहीं पड़ती, लेकिन हमने साथ में चना दाल भी ऐड किया है तो उसको हमें पकाना है। तो 1/4 कप के करीब मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ।
और इसे ढककर हम लगभग 15 से 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाएंगे। बीच बीच में हम इसे एक से दो बार चला लेंगे। सब्जी को हमें पकाते हुए पूरे 15 मिनट के करीब हो गए हैं और हमारी सब्जी ऑलमोस्ट बन चुकी है। ये देखिए चना दाल और तोरई आपस में अच्छे से मिक्स हो गई है। और ये देखिए फ्रेंड्स, चना दाल भी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है, एकदम बढ़िया से ये पक चुकी है। और अब हम लास्ट में इसमें आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल देंगे, बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। और इसी के साथ हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। सब्जी हमारी बिल्कुल तैयार है। ये लीजिए फ्रेंड्स, तोरई और चना दाल की बहुत ही हेल्दी और टेस्टी सब्जी बनकर तैयार है। तो फ्रेंड्स, रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।